हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नई वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं क्रिकेट खेलने वाले, मस्ती करने वाले, फन करने वाले, चिल्ल भाई साहब। अब आपको क्या लगा, आपको मस्ती करनी है तो ऐसे ही नहीं बचेगा, क्रिकेट खेलना पड़ेगा। वो मैं खेलने जा रहा हूँ रियल क्रिकेट, क्योंकि आज हम लोग हराने वाले हैं पाकिस्तान को भाई साहब। इसमें मजा आने वाला है, क्योंकि रियल टीम है ये, क्रिकेट नहीं भाई साहब। जिस तरीके से ये क्रिकेट डेवलप किया गया है ना, मुझे लगता है ये काफ़ी शानदार क्रिकेट है। जिस तरीके से रियल क्रिकेट लोग बोलते हैं ना कि मोबाइल गेम है, काफ़ी अच्छा नहीं है, एकदम बेकार है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इस गेम प्ले के बाद कितना शानदार है, इसका रिव्यू दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये गेम शानदार है भाई साहब, जिस तरीके से मोबाइल के लिए बनाया गया है, ना ही पीसी के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक ये मोबाइल गेम काफ़ी सुंदर है। लेकिन आज मस्ती करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, पाकिस्तान से होने वाला है 5 ओवर का मैच, और आज हम लोग खेलने वाले इजी मोड, लेकिन आगे लेके आऊंगा मस्त मोड, मतलब हार्ड मोड लेके आऊंगा। भाई साहब, आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेम को खेलने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है 5-5 ओवरों का। रेडी हो तो रेडी रहो भाई लोग, चलिए लेट्स। तो चलिए भाई, ये हमारे रिपोर्टर हैं जो मतलब पिच के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गेम देख सकते हैं कितना शानदार स्टेडियम में दोनों प्लेयर हैं। और टॉस का टाइम आ चुका है पाकिस्तान के, मतलब बाबर आजम ने टॉस जीता और मैंने टेल्स लिया, और वही यहाँ से देखने वाले कौन टॉस जीतने वाला है। वो वही, आज हमें बॉलिंग करने का मन है तो बॉलिंग करेंगे, और यहाँ से भाई हमने बॉलिंग चूज कर ली है भाई, लेकिन पाकिस्तान ने टॉस जीता हो, लेकिन आज मजा आने वाला है। और ये पाकिस्तान के बैट्समैन है जो कि काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, ये पिच की रिपोर्ट है भाई, लेकिन इससे एग्जिट नहीं करने वाले, और ये राष्ट्रीय गान होने वाला है, नेशनल एंथम पाकिस्तान का हो रहा है, लेकिन इससे एग्जिट करने वाले हैं। और अभी हम लोग देखने वाले अपना, और भाई इसमें देखो भाई कितना मजा आ रहा है यार, क्या गेम है यार। और ये भाई, ये का जॉन अब्राहम लग रहे ये जॉन अब्राहम नहीं भाई साहब, इनकी जैसे शक्ल मतलब लग रही है, लेकिन है नहीं है। स्टेडियम में उतरते हुए, यस वेल डन ब्रो, आज मजा आने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया जीतने वाली है। वैसे पाकिस्तान को हराना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो ना, पाकिस्तान का जब भी मैच होता है बहुत बुरा होता है। और ये है पाकिस्तान के बैट्समैन बाबर आजम और रिजवान, इनकी जोड़ी मतलब ओपनिंग जोड़ी काफ़ी शानदार है, देखा होगा आप लोगों ने वर्ल्ड कप के मुकाबलों में, लेकिन यहाँ पे ये दोनों उतरे हैं। और हमारे भुवनेश्वर कुमार से बॉलिंग करवाने वाले हैं, देखते हैं। भुवनेश्वर कुमार भाई घिस रहे हैं भाई, घिस चुकी है भाई, अब छोड़ दो यार। अभी आ रहे हैं रिजवान भाई साहब, इनकी बैटिंग देखने लायक होगी, क्योंकि आज के मुकाबले में ये शानदार प्रदर्शन करने वाले मुझे लगता है, लेकिन हमारी बॉलिंग किसी से कम नहीं भाई साहब, आपको क्या लगा कम है बॉलिंग, बिल्कुल नहीं भाई साहब। भुवनेश्वर कुमार की पहली बॉल अंदर की तरफ इन स्विंग होने वाली है, वही वाली डाली है पैरों की तरफ और सीधी, ये बॉल भाई साहब भाई बच गए भाई साहब। फील्डर देख रहे हो कितने आसपास लगा रखे हैं मैंने, एक भी बाहर नहीं है भाई। और वही सेकंड बॉल देखने जा रहे हैं क्या होने वाला है, लेकिन वही इस वाली बॉल को देखते हैं, ये भी इन स्विंग है और भाई पैड पे लगने, ओ भाई यार चौका हो गया मुझे लगता है, नहीं भाई नहीं नहीं चौका चौका, अरे भाई चौका हो गया यार, पहली बॉल मतलब दूसरी बॉल पे चौका लग, तीसरी बॉल डालने वाले हैं भुवनेश्वर कुमार, वो भी ऑफ साइड में इन स्विंग डालने वाले हैं, और ये बॉल गई, वाह क्या फील्डिंग है भाई साहब, देख रहे हो जमावड़ा भाई साहब, हमने फील्डिंग ऐसी लगाई है कि बता ही नहीं सकते, इतनी आसपास लगा रखी है कि बॉलिंग निकाल ही नहीं पाएंगे। बॉल मिलने वाली है, शॉर्ट बॉल, ओ भाई बच गई, ओ दो रन, भाग मुन्ना भाग 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 मुन्ने भाई साहब भाग जाए यहाँ से, बॉल फेंक जल्दी से, नहीं तो रन बन जाएंगे जल्दी से भाई साहब। और बॉल फेंक दी और सीधे स्टंप पे जाके लगी है, और तालियों की गड़गड़ाहट देख सकते हो, आ तो नहीं रही है लेकिन लग रही है थोड़ी थोड़ी। और ये आउट स्विंग है, आखिरी बॉल भुवनेश्वर के ओवर की आखिरी बॉल, यानी पहले ओवर की आखिरी बॉल, ओ भाई बच गया बच गया, चौका जाने से बच चुका है, आप लोग देख सकते हैं भाई इस ओवर में रन तो बिल्कुल नहीं गए, गए हैं भाई थोड़े बहुत तो जाते ही हैं, पावर प्ले का मामला है। और यहाँ पे देखते हैं इनकी बैटिंग कहाँ तक जाने वाली है, कितने रन बनने वाले हैं, मुझे खुद नहीं आइडिया है, मुझे लगता है अगर ये 50 भी बना देंगे तो हम 3 ओवर में जीत लेंगे। पैड पे डालने वाले हैं, अब पता नहीं कहाँ डालने वाले हैं, लेकिन मैं तो डालूंगा पैड, ओ भाई पैड पे नहीं तो आउट स्विंग हो गई है, बाहर की तरफ मुझे लगता है ये वाइड हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये लेंथ है ना, ओ भाई बच गया बच, ओ भाई चौका, और यार चौका पड़ गया यार, देख सकते हो। और इस वाली बॉल को देखते हैं कहाँ पे पड़ने वाली है ये, हाँ ये है पैडों की तरफ और इन स्विंग, और इसमें देखने वाले क्या है, बिल्लू भाई साहब कैच पकड़ना है तुम साइड वाली भाई साहब, और बॉल सीधी स्टंप में, ओ भाई ये भी चौका लगता है, भाग मुन्ने भाग मुन्ने भाग मुन्ने चिल्ले मुल्ले पुल्ले हल्ले, अरे भाग जा भाई साहब क्या कर रहा है, और बॉल सीधी स्टंप पे जाके लगी, नहीं लगी भाई
देख रहे हो फील्डिंग। अब देखने वाले आखिरी ओवर बचा है इस मैच का, मतलब इनकी पारी का, पाकिस्तान की पारी का आखिरी ओवर बचा। आप पे बेस्ट दिखाना पड़ेगा इन्हें अपनी बॉलिंग के अकॉर्डिंग। और पहली बॉल है भाई साहब, देख रहे हो बैट्समैन ने भी मिस करती इस बॉल को, इतनी अच्छी बॉल कराता है भाई साहब हमारे सूर्य कुमार यादव। ये बैट्समैन है बहुत शानदार भाई साहब, मतलब बॉलर। और भाई हटा के मार दिया ये छक्का भाई साहब, सीधा बाउंड्री के पार गिरा भाई साहब। जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता ये शानदार परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एक ही तो छक्का लगा है, कोई नहीं भाई साहब होता है बॉलिंग के तौर पे। अगली बॉल देखते हैं, अगली बॉल पे क्या बोले माला, ये चौथी बॉल है सूर्य कुमार यादव की। ओ भाई ये भी छक्का मार दिया यार, ये कैसे हुआ भाई, मैं तो यकीन नहीं कर रहा था इनकी बॉल पे छक्का पड़ेगा। चलिए इस बॉल पे देखते हैं, ये मैंने वाइड डाली है थोड़ी सी, अब देखते हैं क्या इसे टच कर पाएंगे। ओ भाई ये भी चौका जड़ गया। ओ भाई ऐसा देख रहे हो किस साइड से, ये तो सूर्य कुमार जैसे शॉट मार रहे हैं। 45 रन बन चुके हैं पाकिस्तान के एक विकेट के नुकसान पे। लास्ट बॉल है और यहाँ पे विकेट होना चाहिए। नहीं भाई साहब, यो भाई साहब छक्का देख रहे हो किस तरीके से पड़ा है। अरे भाई साहब ये छक्का है यार, किस तरीके से इसने छक्का मारा है, ये तो मैं कभी शॉट नहीं मार सकता अपनी जिंदगी के रियल लाइफ में भी नहीं मार सकता। और अंपायर्स हमारे मैदान पे उतरते हुए दोबारा मुक्केबाजी करते हुए, और इनके साथ भाई साहब इनकी चाल देखो, रोबोटिक चाल है, कुछ भी कह सकते हो। ये देखो लगने लगे अभी से पाकिस्तान वाले और फील्डिंग झाड़ने लगे, कहीं ना पिट ना जाए, कहीं कंकड़ ना घुस जाए, कहीं सूजी ना घुस जाए, लेकिन कुछ भी कर सकते। और यहाँ साइन अफरीदी बॉलिंग के लिए आए हैं, अटैक इनटू दी बॉलिंग, साइन अफरीदी वाओ कमिंग इन द मैच। बट क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। और पहली बॉल है, छक्का तो मार के रहूंगा। ओ भाई मिस हो गया, भाई मैंने जाना छक्का लग गया। ये बॉल तो बहुत शानदार थी, लेग साइड जाने वाली थी और छक्का जाने वाला था ये, लेकिन इस वाली बॉल पे मैं छक्का जरूर मारूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो जाता है। ओ भाई चौका पड़ गया, कोई नहीं भाई सब चौका तो पड़ा ही। अगली बॉल देखने वाले, इस वाले में क्या करने वाले केएल राहुल हमारे, और वहीं इस वॉलीबॉल पे छक्का नहीं भाई साहब, और इस चौका पड़ गया, और इस चौका नहीं भाई साहब बाउंड्री को रोक गया। मैं तो दो रन लूंगा, भाग भाग बनना भाई साहब, रन बच गया भाई साहब बच गया भाई साहब, किसी तरीके से बचा तो यार भाई साहब। लिटरली मुझे शॉकिंग महसूस हो रहा है, मैं बता नहीं सकता कि जिस तरीके से रन लिया ना, अब मुझे चाहिए 46 रन 27 बॉलों में। और क्या बन सकते हैं, बन सकते हैं, बिल्कुल बनेंगे। ओ चूना लगा दिया। चलिए देखते हैं अगली बॉल पे क्या होने वाला है। ये बॉल काफी यॉर्कर लग रही है मुझे, और यॉर्कर होनी भी चाहिए। ओ भाई एक रन लेना चाहिए, भाग के और फील्डर मौजूद था, बॉल फेंकी सीधी स्टंप पे। और भाई मिस थ्रो, और एक और रन लेने की पूरी पूरी चांस था भाई साहब, ले लिए भाई साहब, क्या करे दो रन ले लिए। अब कोई नहीं भाई साहब, दो रन मिल गए फ्री के लेने चाहिए, अब जरूरत है मुझे, नहीं जरूरत क्या, अभी तो चार बॉलों में 8 रन बने हैं और स्ट्राइक पे हैं केएल राहुल, यही तो बैटिंग कर रहे हैं अभी तो। मतलब सूर्य कुमार यादव ओपनिंग पे आए, नहीं बैटिंग। ओरे भाई छक्का, ओ भाई छक्का लग गया भाई साहब, मुझे भी यकीन नहीं था कि ये छक्का लगेगा। और भाई साहब अगली बॉल पे देखने वाले क्या होने वाले, ये बाहर डाल लेंगे, देख रहे हो इस पे भी छक्का पड़ेगा। ओ नहीं भाई साहब चौका पड़ गया, और ये भाई साहब फील्डर भागते हुए, मुन्ना आ जा आ जा आ जा, मुन्ना तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकते इस गेम को। और वहीं सूर्य कुमार अब स्ट्राइक पे आए, इन्होंने अभी तक एक भी बॉल नहीं खेली, लेकिन अब पहली बॉल खेलने के लिए रेडी हैं। क्या ये छक्का लगा पाएंगे, देखने वाली बात होगी। आमतौर पर ये पहली बॉल पे छक्का लगाती है, और वैसा ही कर दिखाया इन्होंने, यहाँ पर भी छक्का लगाया है पहली गेंद पर जी भाई साहब। अब देखने वाले क्या छक्का लगा पाएंगे इस बॉल पे, और एक और छक्का, लंबा छक्का, दूर तरह छक्का, बाउंड्री के पार छक्का, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। और लास्ट बॉल है पावर प्ले की, देखने वाले क्या होने वाला है इस बॉल पे, और हसन अली की लास्ट बॉल, और 6 रन, मुझे पता था ये छक्का पड़ने वाला है। और सूर्य कुमार यादव ने रख दिए हैं 3 छक्के इस ओवर में, भले ही 6 छक्के ना लगाए, लेकिन अगले मैच में जरूर छक्के लगाएंगे 6-6। कोई नहीं भाई साहब, अंपायर छक्का दे रहा है तो ले लो, क्या जा रहा है फ्री का है भाई साहब। तीसरी बॉल आने वाली है इस ओवर की, और वहीं मुझे लगता है ये छक्का जाएगा, घुटने टेक के छक्का मारा है, क्योंकि मैंने मारा है, मजा आ गया इस बॉल पे, जिस तरीके से ये छक्के लगा रहे हैं ना, क्या ही बताएं, शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और वो चिल मिल मिल मिल, ये फील्डर देख रहे हो किस तरीके से खुश हो रहे हैं, हमारे अंपायर भी खुश हो रहे हैं, छक्के से छक्के दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें खरीद लिया मैंने भाई साहब, मैंने खरीदा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या खरीद सकते हैं इस मैच में। ओ भाई 15 बॉलों में 50 रन की पार्टनरशिप हो गई भाई, बात तो सही है, लेकिन इस बॉल पे देखने वाले क्या होने वाला है।
और अगली बॉल आने वाली है सीधा छक्के के लिए। यस, मैच जीत गया भाई साहब, मैंने पाकिस्तान को हरा दिया इस मैच में, लीग मैच में। और भाई साहब देख रहे हो, तीन ओवर में वादा किया था, तीन ओवर में मैच जिताने का जिता दिया ना। ओ भाई साहब 10 विकेट से जीत गए और हम लोगों ने बदला ले लिया। लेकिन आपको अगर मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं एक और वीडियो में।